MSI Sword 16 लैपटॉप के बारे में, साथ ही प्रॉपर कंपैरिजन विद MSI Crosshair एंड Acer Predator RTX 4060 लैपटॉप, और आपको रिजल्ट शॉकिंग मिलने वाले हैं। और एंड तक आपको ये पता होगा कि अंडर 1,20,000 रुपीज में आपको MSI के लैपटॉप परचेस करने चाहिए, और Acer Predator Neo 16 अभी भी बेस्ट लैपटॉप है। आप देख रहे हैं TungoTech, सब्सक्राइब। अब बात करते हैं लैपटॉप की, तो मैंने इस लिस्ट में अंडर 120,000 के तीन बेस्ट लैपटॉप पिक किए हैं। उनमें हैं Sword 16 i7 14 Gen RTX 4060, MSI Crosshair 16X i7 14 Gen RTX 4060 और Acer Predator Neo i7 13 Gen RTX 4060, और साथ में ASUS TUF i7 13 Gen RTX 4060 के बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो कि 1,00,000 और 1,20,000 के लैपटॉप में क्या डिफरेंस आता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्ड और डिजाइन आपको तीनों ही लैपटॉप में सेम स्टडी देखने को मिलती है। Acer में मेटल की टॉपलिट दी गई है, जो पॉलीकार्बोनेट MSI की टॉपलिट से बेटर है, और आपको Acer थोड़ा बेटर फील हो सकता है कंपेयर टू अदर लैपटॉप इन सेम बजट, बट ओवरऑल आपको किसी भी लैपटॉप में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में आपको तीनों ही लैपटॉप में 16 इंच साइज डिस्प्ले मिलती है, बट MSI Sword में आपको फुल HD 144Hz IPS लेवल डिस्प्ले मिलती है विद नॉर्मल 45% NTSC और 62% sRGB, जो बेसिक डिस्प्ले होती है। इवन आपको 80-90,000 के लैपटॉप में भी 100% sRGB डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो बेटर कलर एक्यूरेट होती है। Crosshair में QHD DCI P3 डिस्प्ले देखने को मिलती है, और Acer में 100% sRGB डिस्प्ले। तो ओवरऑल Crosshair की डिस्प्ले आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट मिल जाती है, देन Acer Predator। कीबोर्ड दोनों ही MSI लैपटॉप में सेम ही मिलते हैं, विद 24 जोन लाइट इफेक्ट रेदर देन 4 जोन इन Acer। बाकी ट्रैक पैड आपको Acer में बेटर देखने को मिल जाती है कंपेयर टू MSI, बट ये भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। अगर पोर्ट की बात करें तो आपको सारे पोर्ट मिल जाते हैं, बट Acer में आपको थंडरबोल्ट के 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो MSI में मिसिंग है। और इस प्राइस में थंडरबोल्ट का ना होना एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर आप हैवी फाइल ट्रांसफर के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बाकी आपको सारे अदर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अब वन लैप के आपको सारे ही लैपटॉप में मक्स स्विंग देखने को मिलता है, जिससे आप ऑन डिवाइस IGPU टू डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में स्विच कर सकते हैं। आपको Acer और Crosshair में 90 वाट आवर की बैटरी मिलती है, और इस प्राइस में लगभग सारे ही लैपटॉप में आपको अबो 80 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है। LOQ और Sword को छोड़कर, जिसमें आपको 60 वाट आवर की बैटरी दी गई है, आपको Predator और Crosshair में बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, अराउंड 5-6 घंटे इन नॉर्मल यूजेस, वहीं Sword में 2-3 घंटे इन नॉर्मल यूजेस। अब बात करते हैं लैपटॉप के रियल कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन। MSI Sword और Crosshair में आपको i7 14700HX प्रोसेसर मिलता है, 20 कोर 28 थ्रेड। वहीं Acer में i7 13700HX प्रोसेसर देखने को मिलता है, 16 कोर एंड 24 थ्रेड, 16GB DDR5 RAM विद 1TB Gen 4 SSD, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हैं विद RTX 4060 140W TGP इन Predator एंड Crosshair, और 115W इन Sword, बट RTX 4060 मैक्स 115W और 120W तक ही पुश कर पाता है, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बेंचमार्क नंबर की, और साथ में हम ASUS TUF F15 को भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर, जिसमें MSI बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट मल्टी कोर स्कोर में Acer की स्कोर बेटर है, क्योंकि MSI ने CPU लॉक कर दिया है ताकि थर्मल मैनेज रहे, बट परफॉर्मेंस आपको अच्छी ही मिलेगी, वो आपको गेमिंग में पता चल जाएगा। Geekbench के स्कोर भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। 3D Mark के स्कोर भी आपको 13 Gen और 14 Gen में सेम ही मिलते हैं। PC Mark 10 में आपको Predator के स्कोर कुछ ज्यादा ही बेटर मिलते हैं, जो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो ओवरऑल आपको तीनों ही लैपटॉप के स्कोर सेम ही देखने को मिलते हैं। इवन Predator 13 Gen के बाद भी कई जगह पर बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। इसका कारण है इसकी ऑप्टिमाइजेशन और MSI के लॉक्ड CPU, ताकि थर्मल मैनेज रहे। तो आप इस लैपटॉप में आराम से 4K मल्टीलेयर की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क हैंडल कर सकते हैं। ये पावरफुल लैपटॉप है अपने प्राइस पर। अब गेमिंग में थोड़ा FPS देख लेते हैं, तो आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा कि अंडरक्लॉक CPU से कोई डिफरेंस मिल रहा है या फिर नहीं, और सारे गेम 1600p में ही टेस्ट हुए हैं।
तो स्टार्ट करते हैं वैलोरेंट से। आपको सेम 350 टू 400 FPS देखने को मिलती है, वहीं प्रॉपर 14 जेन वाले लैपटॉप में 450 FPS तक पुश होती है। बाकी GTA 5, Far Cry 6, RDR 2 सारे ही गेम में आपको सेम ही FPS देखने को मिल जाती है, और कोई भी लैपटॉप 85 डिग्री से अबव टेम्परेचर पुश नहीं कर रहा है, तो आपको बेटर थर्मल मिल रहे हैं विद बेटर परफॉर्मेंस। साइबरपंक, स्पाइडरमैन, वॉरजोन 2.0 सारे ही गेम में FPS आपको सेम ही मिलेंगे। और जैसे आपकी गेम की सेटिंग हाई होती जाती है, वैसे ही जीपीयू पर ज्यादा लोड पड़ता है, तो आपको गेम में एक्सपीरियंस सेम ही देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल गेमिंग में भी हमें सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो गेमिंग के लिए आप कोई भी लैपटॉप परचेस कर सकते हैं, बट MSI Crosshair में आपको 240 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो एक प्लस पॉइंट है कंपेयर टू 165 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज इन अदर लैपटॉप। थर्मल भी इन तीनों ही लैपटॉप के बैलेंस देखने को मिलते हैं अराउंड 85 डिग्री मैक्स 5 टू 6 आवर की गेमिंग के बाद भी, जो एक बेटर थर्मल स्कोर है। अब बात करते हैं कि क्या आपको MSI Sword 16 i7 14 जेन परचेस करना चाहिए, तो आपको सेम प्राइस में MSI Crosshair मिल जाता है और Acer Predator जिसमें परफॉर्मेंस स्कोर भी सेम ही देखने को मिलते हैं, और आपको बेटर कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिलती है विद बेटर बैटरी बैकअप। और अभी के टाइम पर लोग मोस्टली गेमिंग के साथ वीडियो एडिटिंग वाले टास्क भी हैंडल करते हैं, तो वहां पर कलर एक्यूरेट डिस्प्ले बहुत मैटर करती है, तो आप MSI Sword को अभी के टाइम पर इस लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। बट अगर नेक्स्ट सेल में इस लैपटॉप की प्राइस ड्रॉप होके 105,000 तक पहुंच जाती है, तो उस प्राइस पर ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके गेमिंग परफॉर्मेंस अदर लैपटॉप से बेटर मिलेंगे और आपको थर्मल भी बहुत मैनेज मिलेगा कंपेयर टू Asus TUF और एनी अदर गेमिंग लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीस। बट अगर इसके i7 13 जेन RTX 4060 लैपटॉप की बात करें, जो अराउंड 1 लाख कॉस्ट कर रही है, तो आप वो लैपटॉप परचेस कर सकते हैं अगर आप कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं चाहिए तो। अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है, और अगर आपको मेरी चॉइस देखनी है तो मैं Predator और Crosshair में से कोई एक चूज करूंगा अंडर 120,000 रुपीस। तो ये था फुल कंपेरिजन वीडियो और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 120,000 रुपीस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो टेक। धन्यवाद।